हेलो एर्थ क्लास वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वी आर डूइंग द लास्ट चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में है इसमें थोड़ा सा डिटेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक चैप्टर है इसके बाद आप नाइन्थ और टेंथ में इसके डिटेल्स पढ़ेंगे तो अभी हम कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं एलोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं हमने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स पढ़ लिए हैं नाव वी आर ऑन टू दी अमोफस एलोट्रॉप्स जिसमें हमने कोल कर लिया है नाव वी आर डूइंग दी चारकोल चारकोल क्या है चारकोल कैसे मिलता है हमें सबसे पहली बात कि हाउ डू वी गेट चारकोल चारकोल कहते किसे हैं तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है इनऑर्गेनिक नहीं लेना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप आ, क्लोज एटमोसफियर में हीट करेंगे मतलब एबसेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये जो प्रोसेस है जहाँ पे कि हम किसी भी चीज़ को एयर की एबसेंस में ऑक्सीजन की एबसेंस में हीट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है आपको आई टेक अ डिफरेंट कलर है ना हाँ इससे ठीक है ये क्लियर दिख रहा होगा आपको तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे चारकोल कैसे मिलेगा वो अभी हम पढ़ने वाले हैं मैं जरा आपको पहले भी बता चुकी क्यों मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग करता है सो प्लीज़ बेयर विद इट ओके सो चारकोल इज ऑप्टेंड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ क्लोज कंटेनर इन दी एबसेंस ऑफ एयर इन ऑर्डर टू ब्रेक दोज लार्ज जो मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए वी आर डूइंग दिस प्रोसेस सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन क्या है हीटिंग ऑफ एनी थिंग ये यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मैटर को हीट करें क्योंकि हमें चारकोल बनाना है कार्बन एक्सट्रैक्ट करना है कार्बन की एक फॉर्म चाहिए हमें दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर लेकिन आप किसी भी चीज़ को अगर एयर uh, की एब्सेंस में मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ओके सो हियर वी आर हीटिंग चारकोल इन अ क्लोज कंटेनर क्लोज एटमोसफेयर में एक टेस्ट ट्यूब लेके उसमें हम हीट करें सेटअप आपको यहाँ दिख रहा है ये डायग्राम्स ज़रूर कर लीजिएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इस चैप्टर में से सो वी आर जस्ट हीटिंग एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल क्वानिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कम्पाउंड इन द एबजेंस ऑफ एयर जस्ट टू ब्रेक इट डाउन इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अब तीन तरह के चारकोल मिलते हैं हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस से वो तीन तरह के जो चारकोल मिल रहे हैं वो किस बेसिस पे मिल रहे हैं मतलब उनका कैसे हमें डिफरेंट चारकोल मिल सकते हैं कि हम जो कार्बन का सोर्स जो चीज़ हम हीट करें जो ऑर्गेनिक मैटर हीट कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं तीन कैटेगरी के ऑर्गेनिक मैटर हैं तो उसके थ्रू हमें तीन डिफरेंट चारकोल मिलेंगे तो वो तीन डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर क्या है सबसे पहला हो गया वुड लकड़ी वुड को आप वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन करेंगे देन विल गेट वुड चारकोल बोन एनिमल बोन्स एनिमल बोन्स ही यूज़ करते हैं ह्यूमन बोन्स हम यूज़ नहीं करते हैं ऑब्वियसली तो बोन्स को अगर बोन्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन करेंगे देन विल बी गेटिंग बोन चारकोल एंड शुगर का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन करेंगे देन विल भी गेटिंग शुगर चारकोल तो ये तीन तरह के चारकोल आपको मिलते हैं वुड शुगर एंड बोन चारकोल देट डिपेंड्स अपॉन दी सोर्स ऑफ द का्पन कंपाउंड कि आप किस कंपाउंड को लेकर उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्लेषण करें किस को हीट करें फर्स्ट इज वुड चाकोल से हम स्टार्ट कर रहे हैं वुड चाकोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्लैक है पोरस है ब्रिटल है सॉलिड तो है ही ऑब्वियसली ब्लैक है पोरस है देखो चारकोल की सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज़ वेरी पोरस पोरस होता है उसमें मतलब बहुत सारे होल्स होते हैं तो पोरस होने की वजह से उसकी जो एड्ज़ॉर्बिंग कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को एड्ज़ॉर्ब करने की एडज़ॉर्ब और एब्जॉर्ब में डिफरेंस होता है ना वो आपको पता है मैं बता चुकी हूँ तो एड्ज़ॉर्बिंग हम एड्जॉर्बशन की बात कर रहे हैं ए AD, डी तो एडज़ॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो इसकी काफ़ी हाई हो जाती है सेंसिटस पोरस इसमें इतने सारे न्यूमरस होल्स होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले तो ये एज एज एन एडजॉर्बेंट बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अभी आप इसके यूज पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा ओके सो वु चाकोल इज प्रिपेयर बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन ऑफ वुड वुड को कैसे हीट करते हैं क्लोज कंटेनर में हीट करेंगे जहाँ पर कि उसे एयर नहीं मिलेगी तो वुड लकड़ी का पीस लेने की बजाय हम क्या करते हैं वी टेक सॉ डस्ट जिसको हम लकड़ी का बुरादा बोलते हैं सौ डस्ट लेके टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा अमाउंट उसको फिर हीट किया जाता है उस टेस्ट ट्यूब के माउथ को क्लोज कर दिया कॉर्क से उसके थ्रू हमने एक डिलीवरी ट्यूब पास किया ये आपको पैरटिस में दिख रहा है दिस इज द आई जस्ट शो इट ये डिलीवरी ट्यूब पास कर रहे हैं हम यहाँ से और ये डिलीवरी ट्यूब जो है ये एक, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाके या जार में जाके कनेक्ट हो रही है जिसका उसका भी माउथ जो है वो सील्ड है कॉर्क से मतलब सब कुछ क्लोज एटमॉस्फेयर में हो रहा है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग एयर का इस रिएक्शन में इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कोई रोल नहीं है ठीक है Uh, यहाँ पे पहले मैं डायग्राम से आपको प्रोसेस समझा देती हूँ फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे देखिए यहाँ पे हमने सोडस लिए है इस टेस्ट ट्यूब में ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है दिस इज एंड इट इज बीइंग हीटेड और ये जब थोड़े टाइम तक हीट करते रहेंगे तो ये डार्क कलर का सब्सटेंस बन जाता है दैट इज़ नोन एज वुड चाकोल और उसके साथ कुछ गैसेज निकलती हैं अभी जो गैस इवॉल्व हो रही है इसको अच्छा ये जो हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली थी जो कंटेनर लिया है इसको एक फिर फर्दर एक ट्रफ़ में रखा है जिसमें कि फ्रीजिंग वाटर है आइस नहीं है पानी है लेकिन बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पानी लिया हुआ है ताकि जो हमारा जो जो तार निकलेगा ना वुड तार निकलता है इसमें जैसे कोल तार था कोल में से निकला था इसमें से भी एक तार निकलता है तो दैट इज़ नोन एज वुड तार था 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 था। तो उसको कलेक्ट करने के लिए ये देखिए इसको कलेक्ट करने के लिए ताकि वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाए लिक्विड uh, से सेपरेट हो जाए दो लिक्विड्स की सेपरेट लेयर बन जाए दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस फ्रीजिंग वाटर हीयर तार उसको सॉलिडिफाई करने के लिए तार को ओके okay, नाउ आप देखिए यहाँ पे सॉडर्स को हीट किया इसमें से गैस निकली गैस जो है वो कहाँ गई यहाँ डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इधर गई है दिस गैस इज़ नोन एज़ वुड गैस दो तीन चीज़ें निकलेंगी उसको अभी बता रही हूँ ये वुड गैस हो गई ये यह यहाँ आ गई वुड गैस को आप टेस्ट कर सकते हैं इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम उसके बाद हमने फ्रीजिंग वाटर क्यों रखा है क्योंकि जो लिक्विड बन रहा है जो यहाँ पे कुछ वेपर्स आ रहे हैं वो अब इस टेस्ट ट्यूब में आके क्या होंगे कंडेंस हो जाएंगे लिक्विफाई हो जाएंगे लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो वो लिक्विड के दो पार्ट्स हो जाएंगे जो सॉलिड पार्ट है एक वो तार में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो आपको ये देखो डायग्राम में नीचे दिख रहा है इट विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब ये हो गया तार और एक क्लियर लिक्विड ये यहाँ पे ना एरो गलत लगा रखा है ये यह यहाँ पे होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है ये क्लियर लिक्विड जिस जिसको हम बोलते हैं पायरोिग्नियस एसिड ठीक है पायरोलिग्नियस एसिड जो है ये कलरलेस एसिड है ये ऊपर इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे और नीचे जो है वो वुड तार इकट्ठा हो जाएगा तो पायरोलिग्नियस एसिड ऊपर मिला है वुड तार नीचे मिला है वुड गैस इवॉल्व हो रही है ये तीन चीज़ मिल रही है हमें किससे सौ डस्ट के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से और यहाँ पे जो हमें जो हम मेन चीज़ जो हमें चाहिए थी दैट वाज वुड चारकोल दैट रिमेंस इन दी टेस्ट ट्यूब विच वाज बीइंग हीटेड मतलब ये तीन चीज़ इवॉल्व हो गई क्या चीज़ इवॉल्व हुई है वुड गैस वुड तार और पायर पायरोग पायरोलिग्नियस एसिड ये तीन चीज़ इवॉल्व हो गई हैं और सौ डस्ट जो थी वो वहीं पर उसके रिबेंस रह गए हैं एंड दैट इज़ नाउ नोन एज वुड चारकोल क्योंकि वो पूरा बर्न हो चुका है वो सिर्फ कार्बन रह गया बाकी सारी चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं ओके अब थ्योरी देख लीजिए वुड इज़ कन्वर्टेड टू चारकोल लिविंग बिहाइंड वॉलेटाइल इंप्योरिटीज़ लाइक वुड तार एंड वुड गैस ये सारी इंप्योरिटीज़ निकल गई और हमें प्योर चारकोल टेस्ट ट्यूब में मिल जाता है ये इक्वेशन दे रखी है वर्ड इक्वेशन है ये क्योंकि इस स्टेज पे आपके लिए इन सब की फॉर्मूले याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके फॉर्मूले भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं सो दैट इज़ वाई यू हैव बिन गिवन अ वर्ड इक्वेशन वर्ड इक्वेशन को ज़रूर याद कर लीजिएगा यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज की ज़रूरत नहीं है ये वर्ड इक्वेशन है ठीक है ओके अब लोकल प्रिपरेशन ऑफ चारकोल ये बता रहे हैं कि एक तो लैब प्रिपरेशन है एक लोकल प्रिपरेशन है तो लोकल मतलब कहीं भी आपको जैसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है उसकी वो बता रहे हैं कि अगर चारकोल प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है कि बहुत सारे लकड़ी के लॉग्स वुड के लॉग्स जो होते हैं ना उनको एक के ऊपर एक एक पाइलअप कर लेते हैं एक बहुत बड़ा सा ढेर बना लेते हैं पाइल बना लेते हैं और उस पाइल के सेंटर में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं ताकि वहाँ से फायर को स्टार्ट जा जा सके, इग्नाइट किया जा सके। किया मतलब एक एक बार के 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 लिए हमें फायर लगाने के लिए इग्नाइट करने के लिए एक पीस को बर्न करने के लिए हमें हमें लगाने करने करने को पे सप्लाई करनी पड़ती है। है, तो थोड़ा सा का गैप छोड़ा है। उसके बाद पूरी जो पाइल ऑफ वुड है उसको कवर कर देते हैं किससे वेट क्ले से गीली मिट्टी से ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर ना आ सके तभी तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन होगा अगर एयर आ जाएगी तो फिर तो ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी वुड को तो आपको क्या करना है कि एक पाइल बनाई है पाइल के अंदर वुड uh, लॉग्स को पाइल के पाइल में एक के ऊपर पाइल कर दिया बहुत सारे लॉग्स को और बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दी है थोड़ी सी जगह छोड़ी है बस ताकि वहाँ पे इग्निशन स्टार्ट किया जा सके या इग्नाइट किया जा सके उस पाइल को ओके एंड देन पाइल इज कवर्ड विद अ विद वेट क्ले टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर यहाँ ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको वेट क्ले से कवर क्यों किया है वहाँ ये जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए ओके जस्ट थोड़ी सी एयर को अलाउ करने के लिए ताकि हम उसको जब इग्नाइट करें जब फायर स्टार्ट करेंगे तो हमें थोड़ी सी हवा चाहिए होगी उसको स्टार्ट करने के लिए फायर को ओके सो द लॉग्स ऑफ वुड आर देन सेट ऑन फायर वेन द वुड बर्न्स कम्प्लीटली अ ग्रेइ ब्लैक ब्रिटल सॉलिड इज ओबेंड एंड दैट इज़ द वुड चाकोल जिसको कि हम चाह रहे थे अपने इस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करना दैट वॉज दी लोकल प्रिपरेशन कि कहीं पर वुड चाकोल बनाना है तो कैसे बनाएंगे नाओ लैब में अगर कैसे लैब में बनाना हो तो लैब का जो मैंने अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था वही एक्टिविटी है यहाँ पर कि लैब प्रपरेशन और वुड चाकोल कैसे होगी तो देखिए यहाँ पर क्या किया है मैं एक मिनट डायग्राम को लेकर आती हूँ ओके अब ये डायग्राम वापस देख लेते हैं कि दे हैव टेकन सो डस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब इज बींग हीड सेटअप अपैरेटस एज शोन इन द फिगर आपको फिगर में पूरा अपैरेटस क्लियरली दिख रहा है जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके माउथ जो हैं दे आर सील्ड सिर्फ एक होल है उस कॉर्क में जिसके थ्रू डिलीवरी ट्यूब पास हो रही है मतलब एक्सटर्नल एयर की एंट्री नहीं है कहीं भी ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि इट हैज़ टू बी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ओके अब सोडस्ट को हीट किया

मैंने आपको बताया ना यहाँ डायग्राम में गलत मार्क रखा है इट इज हियर टेस्ट ट्यूब में ही है यहाँ डायग्राम में आपको उस बीकर में फ्रीजिंग वाटर के बीकर में मार्क कर दिया वो गलत है ये टेस्ट ट्यूब में ही आपको क्लियर लेयर मिल जाएगी पायरोलिग्नियस एसिड की और जो नीचे जो डार्क कलर लिक्विड मिलेगा दैट इज़ वुड तार जो पायरोलिग्नियस एसिड है एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ और चीज़ें मिक्सड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्सड हैं क्या क्या होता है इसमें एक तो होता है इसमें इथाइल मिथाइल अल्कोहल होता है एसीटोन होता है आपको फॉर्मूले मैं नाम लिख देती हूँ क्योंकि फॉर्मूले आपको अभी याद नहीं होंगे इन सब चीज़ों के आपने पढ़ा नहीं है इसमें एसीटोन होता है इसमें मिथाइल एल्कोहल होता है और एल्डिहाइड होता है एसिटल मतलब एक कीटोन है एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है ये तीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसके अलावा इसके अंदर जो मेजर परसेंटेज है अराउंड uh, 88 परसेंट और समथिंग दैट इज वाटर तो ये सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं पायरोगस एसिड और जो नीचे वुड तार मिल गया आपको वो डार्क कलर्ड वार है जैसे कोलता था ऐसी वोट तार है एंड द ब्लैक रेजिड्यू जो जो अमॉर्फस रेजिड्यू बच गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर दैट इज़ दी वुड चारकोल जो सॉडस्ट एक्चुअली हमारी वुड चारकोल में कन्वर्ट हो गई है तो ये वुड चारकोल आपको मिल गया टेस्ट ट्यूब के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेसरी uh, प्रोडक्ट्स हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वुड चारकोल की क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉफ्ट है ब्लैक है पोरस है सॉलिड है सॉफ्ट ब्लैक पोरस सॉलिड इट इज़ ब्रिटल एंड टेस्टलेस सब्सटेंस इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पुअर कंडक्टर है इट इज़ पोरस एंड इज अ लार्ज ऑफ एरिया दिस मेक्स इट अ वेरी वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स ये वाली इसकी प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विच मेक्स इट अ प्रेशियस टूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज इट इज पोरस दस इट होल्ड्स एयर इन द पोर्स एंड फ्लोट्स ऑन वाटर वैन वुड चारकोल इज हीटेड अपू नाइन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड बाई स्टीम इट बिकम्स एक्टिवेटेड वुड चारकोल ये भी आपको पूछ सकते हैं कि वुड चारकोल तो ये हो गया जो हमने बनाया अभी एक्टिवेटेड वुड चारकोल क्या होता है कि नाइन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम वुड चारकोल को हीट करते हैं किसमें कैसे हीट करेंगे डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे स्टीम के थ्रू हीट कर रहे हैं तो वो जो बन जाता है वो एक्टिवेटेड वुड चारकोल कहलाता है और इसका पर्पस क्या है कि इसकी पोरोसिटी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है मतलब ये और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और बढ़ गई है पोरोसिटी बढ़ गई मतलब इसमें जो पोर्स थे अंदर वो और ज़्यादा मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज दिस प्रोसेस ओप द पोर्स एंड इंक्रीज एब्जॉर्बन ऑफ गैसेज एंड लिक्विड बाय वुड चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये इट इज़ यूज एज अ केटेलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन बहुत सारी केमिकल प्रोसेस में ये, ये यूज होता है एक्टिवेटेड वुड चारकोल आप हायर क्लासेस में इसके यूज पढ़ेंगे कि एक्टिवेटेड वुड चारकोल यहाँ पे यूज हो रहा है ओके okay. नाव uh, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में जस्ट टू शो दैट एक्टिवेटेड वुड चारकोल इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट इन्होंने क्या किया है एक टेस्ट ट्यूब ली है एक कॉटन ली है थोड़ी सी ब्रोमीन ली गई है ब्रोमीन इज अ ब्राउन कलर्ड लिक्विड ब्रोमीन जो होती है ब्राउन कलर का लिक्विड होती है ठीक है हेलोजन है एंड इट इज दी ओनली हेलोजन दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म तो बी आर टू है ये लिक्विड है ब्राउन कलर का एक कॉर्क है और एक्टिवेटेड वुड चारकोल है मेथड क्या है देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं मेथड एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू आपको थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ओके okay. देखिए ये आपको दो टेस्ट ट्यूब दिख रही हैं एक टेस्ट ट्यूब ये है जिसमें कि हमने आ, कॉर्क लगा दिया उसको सील कर दिया और उसके अंदर क्या रखा था कॉटन प्लग सोक्ड विद ब्रोमीन कॉटन प्लग मीन्स एक थोड़ी सी रुई ले ली है कॉटन ले ली है और उसको ब्रोमीन में डिप कर लिया है और वो डिप करके हमने कहाँ रख दिए टेस्ट ट्यूब में रख दिए और उसको बंद कर दिया अब टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन के वेपर्स आपको इवॉल्व होते हुए ब्राउन कलर की बिल्कुल क्लियरली नज़र आती है ब्राउन कलर के वेपर्स आपको नजर आएंगे कि ब्रोमीन जो है वो जो लिक्विड था वो वेपरस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है अब क्या किया हम ये देख रहे हैं कि वेपर्स निकल रहे हैं तो अब क्या किया उसका कॉर्क खोल के उसमें एक छोटा सा पीस एक्टिवेटेड वुड चारकोल का डाल दिया जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें ब्रोमीन वेपर्स नज़र आ रहे थे उसमें हमने अब छोटा सा पीस एक एक्टिवेटेड वुड चारकोल का डाल दिया है और डालते ही यह क्या होगा जादू सा हो जाएगा वो जो वेपर निकल रहे थे वो डिसअपियर हो जाएंगे क्यों डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि वो जो हमारा एक्टिवेटेड वुड चारकोल है इट विल एब्जॉर्ब ऑल दोज ब्रोमीन वेपर्स ये बहुत क्योंकि इसके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी तो इट विल एब्जॉर्ब ऑल दोज वेपर्स तो ये बहुत एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बहुत छोटा ही एक्सपेरिमेंट है एंड विच क्लियरली शोज द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वुड चारकोल सो so, uh, ये ऑब्जर्वेशन हो होगी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स डिसअपियर वुड चाकोल एड्जॉर्ब्स गैसेज ये कंक्लूजन हो गया आपका ये जो छोटी सी एक्टिविटी थी इसकी ओके okay, एक और एक्टिविटी दे रखी है टू शो दैट एक्टिवेटेड वुड चाकोल एडजॉर्ब्स कलर्स फ्रॉम सोल्यूशन अभी तो ये डायरेक्ट इसने गैसियस वेपर्स को ऑब्जॉर्ब किया था अब ये कह रहे हैं कि अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट है ये क्या कह रहे हैं कि किसी सोल्यूशन में हमने कोई कलर मिक्स कर दिया है जैसे पानी है पानी में मैंने रेड कलर मिक्स कर दिया या इंक मिक्स कर दिया या ब्लू हो गया पानी तो क्या है अगर उसमें वुड चारकोल डाला तो वो उस कलर को एड्जॉर्ब कर लेगा मतलब पानी को वापस ट्रांसपेरेंट कर देगा तो दैट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग तो इसमें दे रखा है एम क्या है हमारी एक्टिविटी का टू शो दैट एक्टिवेटेड वुड चारकोल एड्जॉर्ब्स कलर्स फ्रॉम द सोल्यूशन थिंग्स नीडेड आर ब्लू इंक ली है यहाँ पे वाटर लिया है टू बीकर्स पाउडर एक्टिवेटेड चारकोल ग्लास रॉड और फिल्टर पेपर और फनल एंड अ स्टैंड मेथड क्या है कि आपने इंक का वाटर में सोल्यूशन बना लिया जो हमने एक बीकर लिया उसमें पानी लिया उसमें थोड़ी सी इंक डाल दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है कि आपने भर के इंक डाल दी फिर तो इतना वुड चारकोल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा थोड़ी सी इंक डाल दी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पाउडर एक्टिवेटेड चारकोल भी डाल दिया उस सोल्यूशन में जो हमने इंक का सोल्यूशन बनाया था अब उसको ग्लास रॉड से स्टर किया आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हम ग्लास रॉड ही क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे हम कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज़ करते हैं वुड या स्टील या आयरन की कोई चम्मच या वुड की या वुड का कोई स्प्लिंटर यूज़ करें या एक कोई भी चीज़ हम प्लास्टिक की स्पून यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी और क्यों नहीं यूज़ करते वो हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ग्लास रॉड जो है वो इनर्ट होती है ग्लास रॉड इज़ इनर्ट इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द केमिकल्स किसी भी केमिकल के साथ वो रिएक्ट नहीं करती है इसीलिए हम ग्लास की रॉड यूज़ करते हैं लैब में ग्लास के uh, कंटेनर्स यूज़ करते हैं ग्लास के अपैरेटस यूज़ करते हैं बिकॉज़ दे आर इनर्ट एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद वेरियस केमिकल्स ओके तो ग्लास रॉड से स्टर uh, कर दिया उसको सोल्यूशन को और फिर उसको फिल्ट फिल्टर किया है फिल्टर करना आपको आता है कि कॉनिकल uh, एक uh, फनल ली है फनल के अंदर फिल्टर पेपर को पोल्ड करके रखते हैं ताकि उसमें फ़िल्टर हो जाए ओके okay, अब हमने क्या किया जो सॉल्यूशन था हमारा इंक और एक्टिवेटेड चाकोल को उसको फ़िल्टर किया धीरे धीरे ग्लास रॉड की हेल्प से एकदम नहीं डाल दिया सारा धीरे धीरे स्लाइड स्लाइड करके डालते हैं एकदम डालेंगे तो वो जो हमारा फिल्टर uh, पेपर है इट माइट गेट चोक्ट और वो हमारा सॉल्यूशन फैल सकता है बाहर स्पिल कर सकता है एंड आर इट माइट बी डेंजरस ऑल्सो सो वी डू इट वेरी स्लोली केयरफुली नाउ वी हैव कलेक्टेड द फिल्टरेटर द बीकर अब जो आपने ये फ़िल्टर किया अब आप फिल्ट्रेट को देखिए फ़िल्ट्रेड क्या होता है जो लिक्विड हमें फ़िल्टर करके मिला है तो उसमें क्या है वो कैसा कलर होगा हमने सोल्यूशन जो था वो हमारा इंक वाला था ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिक्स था अब हमने सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया तो एक्टिवेटेड चारकोल जो था वो फिल्टर पेपर में रह गया और फिल्ट्रेट हमें नीचे मिल गया तो जो फिल्ट्रेट मिला है हमें जो सोल्यूशन मिला है नीचे वो ब्लू कलर का नहीं होगा इट बी ए क्लियर सोल्यूशन दैट इंडिकेट्स कि जो हमारा चारकोल था एक्टिवेटेड चारकोल उसने उस ब्लू कलर की इंक को अब्जॉर्ब कर लिया एडजॉर्ब कर लिया एंड हमें एक क्लियर कलरलेस फिल्ट्रेट दे दिया सो दिस शोज दैट एक्टिवेटेड वुड चारकोल एड्जॉर्ब्स कलर्स फ्राम द सोल्यूशन ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये भी और बहुत क्लियरली नजर आते हैं ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ डाउट होगा हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू दिखाया है बट इट इज़ यूजअली एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंक डालेंगे तो पेल ब्लू रहेगा अदरवाइज इट इज़ यूजली क्लियर सोल्यूशन मिलता है आपको ओके द कलर ऑफ इंक फेड्स अवे आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्वेशन है कलरलेस फिल्ट्रेट इज़ ऑब्टेंड ऑन फिल्ट्रेशन कंक्लूजन क्या है दैट एक्टिवेटेड वुड चारकोल हैज़ एब्जॉर्ब द कलर्ड इंक फ्रॉम द सॉल्यूशन जो वाटर और इंक का सॉल्यूशन था उसमें से यूजेस ऑफ वुड चारकोल यूजेस क्या क्या है वुड चारकोल के भाई एड्जॉर्बेंट बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली एब्जॉर्बिंग uh, के भी यूजेस होंगे पहला तो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इट इज़ बेटर फ्यूल देन वुड वुड से बेटर है क्यों क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और लेस स्मोक लेस स्मोक एंड ऑब्वियसली देन इट कॉज लेस एयर पोल्यूशन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग मच मोर हीट एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ वुड दैन इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है रिडक्शन क्या होता है जहाँ पे कि ऑक्सीजन को uh, आपकी अभी एट्थ क्लास के हिसाब से आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एड ऑन होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन एक और आप इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी हम यहीं पे यहाँ पे हम सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो अभी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन को रिमूव करेगा ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को एड ऑन करता है तो इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज इट रिमूव्स ऑक्सीजन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द मेटालिक ओर्स मेटल्स अपनी ओर्स को होते हैं ना ऑक्साइड्स हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है बहुत सारी ओर्स होती हैं आपने ओर्स के नाम याद किए होंगे डोलोमाइट वगैरह तो ये आयरन की ओर से हैं ऑक्साइड्स ओरस हैं तो उनमें से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और मेटल को रिड्यूस कर देता है मतलब मेटल में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो हमें मेटल मिल जाता है फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग गन पाउडर गन पाउडर क्या है? होता है एक्सप्लोजिव होता है एक्सप्लोजिव यूज़ होता है इट इज़ यूज इन गन्स एंड राइफल्स Uh, उसको बनाने में भी ये यूज़ होता है नाउ इट हैज़ गोट ए वेरी हाई एब्जॉर्बिंग पावर इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एब्ज्जॉर्बेंट ऑफ गैसेज एज वेल एज एज लिक्विड्स गैसेज और लिक्विड्स दोनों को एब्जॉर्ब करता है तो इस इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे एड्जॉर्बेंट गुड बीइंग अ गुड एड्जॉर्बेंट इसकी वजह से इसके क्या क्या यूज़ेस हैं ये एक अलग सेपरेट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ यूज़ेस बोलें तो आप कुछ भी लिख दीजिए लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि आप उसके यूजेस बताइए चारकोल के या वुड चारकोल के बेस्ड ऑन इट्स अब्जॉर्बिंग पावर तो ये फिर आप ये वाले यूज दिखेंगे दैर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गैस मास्क क्योंकि ये हार्मफुल पॉइजनज गैसेज को अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि बहुत अच्छी एबजॉर्बिंग कपैसिटी है इट इज़ यूज इन टैबलेट्स टू क्योर इन डाइजेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूज है क्यों क्योंकि पेट में गैस बन रही है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो क्या होगा ये हमने चारकोल की टैबलेट ले ली वो चारकोल की टैबलेट्स आती हैं तो वो टैबलेट रेडी तो वो क्या करेगा पेट की सारी गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियसली द पर्सन द पेशेंट द सफर द जो भी है सफ़र कर रहा है उस प्रॉब्लम से गैस्ट्रिक इशू से ही और शी विल बी रिलीव ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू तो गैसेस एब्जॉर्ब कर लेता है ये स्टमक में इसीलिए गैस का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव कलर फ्रॉम क्रूड शुगर एंड टर्नस इट वाइट क्रूड शुगर जो बेसिक रफ शुगर होती है जो हम घर में यूज़ नहीं लोग करते होंगे क्रूड शुगर मतलब हम जो क्रिस्टलाइन शुगर यूज़ करते हैं उसकी बात नहीं करें क्रूड शुगर की बात करें उसके कलर को भी मतलब उसको ब्लीच करने में यूज़ करते हैं क्योंकि इंप्योरिटीज़ को अब्सॉर्व कर लेता है एंड टर्न्स इट वाइट इट इज़ ऑल्सो यूज इन वाटर फिल्टर्स हमारे घर में जो वाटर फिल्टर्स होते हैं उसमें कार्बन फिल्टर होता है उसमें भी चारकोल फिल्टर यूज़ होते हैं एंड इट ऑल्सो रिमूव्स बैक्टीरिया एक तो वाटर की इम्प्योरिटीज़ कलर बैड स्मेल एंड बैक्टीरिया सबको रिमूव करता है इट एबजॉर्ब्ज द फाउल स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस बाई डिकेइंग फूड पार्टिकल्स इन द माउथ बॉज इट इज ऑल्सो यूज इन आयुर्वेदिक डेंटल पाउडर्स तो आप देख रहे हैं कि इसके कितने सारे मल्टीपल यूज हैं सिर्फ इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बेसिस पे ठीक है ये ध्यान रखिएगा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बेसिस पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट वुड चारकोल अब सेकेंड टाइप ऑफ चारकोल जो है दैट इज एनिमल चारकोल तो ये एनिमल की बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है वुड चारकोल किससे मिला था वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एनिमल चारकोल या बोन चारकोल जो है वो एनिमल्स की बोन्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है uh, ये क्या है कि वही एनिमल बोन्स को सन में ड्राई किया पहले सुखा लिया बोन्स को अच्छी तरह से फिर उनको क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं

बोन्स के बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं कैल्शियम फॉस्फेट का फॉमूला क्या होता है सी ए थ्री पी ओ फोर होल ट्वाइस ठीक है दिस इज़ कैल्शियम फॉस्फेट तो ये हमें मिलता है बोन चारकोल में क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों होते हैं इट ओनली कंटेंस टेन टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ कार्बन और कार्बन हमें सेपरेट करना है हमें जो मिल गया है चारकोल इसमें से बाई ट्रीटिंग इट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैल्शियम फॉस्फेट को डिजोल्व कर देगा और हमें कार्बन जो है एज अ रिमाइंडर मिल जाएगा या आप ये कहिए प्योर आपको कार्बन मिल जाएगा ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट किया इसको हमने तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कैल्शियम फॉस्फेट को रिमूव कर दिया और आपके पास क्या बच गया सिर्फ कार्बन जिसको फिल्टर करके हम निकाल लेते हैं एंड दिस इज नोन एज आइवरी ब्लैक या बोन ब्लैक ठीक है अब ये दिस इज ऑल्सो हाईली हाईली पोरस इट इज इट इज ऑल्सो वेरी गुड एडजॉर्बेंट ये भी बहुत पोरस है बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट है अब इसके क्या क्या यूजेज हैं सबसे पहले तो डी कलराइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है ये शुगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ डी कलराइजिंग एजेंट शुगर को वाइट बनाने में शुगर की इम्प्योरिटीज रिमूव कर देता है उसके उसको वाइट कलर देता है जो ब्राउन कलर होता है ना नॉर्मल केन शुगर का उस कलर को रिमूव कर देता है तो आपने देखा कई लोग जो होते हैं स्पेशली जो जेंस होते हैं जो बहुत रिजिड अपने रिलीजियस रूल्स uh, को फॉलो करते हैं वो लोग चीनी नहीं खाते हैं शुगर नहीं खाते हैं वाई बिकॉज द एनिमल चारकोल इज़ बीग यूज़ टू प्योरीफाईट मैंने सुना है मैंने भी सुना है बड़े लोगों से अपने कि वो कहते हैं कि जानवरों की हड्डियाँ uh, मिलाते हैं इसमें तो मिलाने का मतलब है कि प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हड्डी तो नहीं मिलाते बट द एनिमल चारकोल इज़ बींग यूज टू प्योरीफाई शुगर तो दिस इज़ द रीज़न दैट मैनी मतलब रिलीजियस थोड़ी सी इसमें इश्यूज़ आ जाते हैं ओके ब्लैक पिगमेंट आइवरी ब्लैक जो हमें मिला है बहुत अच्छा डीप ब्लैक कलर होता है तो इट इज़ यूज इन आर्टिस्टिक पेंटिंग्स ड्यू टू इट्स डीप ब्लैक कलर बहुत रिच ब्लैक कलर होता है ये देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डेंटल फ्लोरिस फ्लोराइड को रिमूव कर देता है पानी में से पानी में फ्लोराइड होता है ना उसको रिमूव कर देता है तो फ्लोराइड जो है एक्सेस फ्लोराइड जो होता है फ्लोरोसिस कॉज करता है हमारे जो कवरिंग होती है ना डेंटाइन जो है हमारे टूथ की कवरिंग जो होती है इनामल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है फ्लोरिन तो एक्सेसिव इन इंटेक ऑफ फ्लोरिनेटेड वाटर मे कॉज डेंटल फ्लोरोसिस तो ये जो हमारा एनिमल चारकोल है इट प्रिवेंट्स डेंटल फ्लोरिस दैन फॉस्फोरस कम्पाउंडस इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे फॉस्फोरस कंपाउंडस के प्रिपरेशन में मैन्युफैक्चर में क्योंकि इसमें क्या होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है दैन इट इज़ ऑल्सो यूज टू फिल्टर दी एक्वेरियम वॉटर ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनिमल चारकोल नाउ लास्ट टाइप ऑफ चारकोल जो है वो आपका शुगर चारकोल है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमोफस कार्बन है हम अभी सारी क्या पढ़ रहे हैं अमार्फस कार्बन की वेरियस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं मतलब क्रिस्टलाइन नहीं है अमार्फस है और शुगर चारकोल जो है उस अमोफस फॉर्म में प्योरेस्ट फॉर्म है मतलब इसके इस शुगर uh, चारकोल के अंदर कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है ठीक है इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमोफिस कार्बन ये ध्यान रखिएगा विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमोफिस कार्बन शुगर चारकोल इट इज ऑबटेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर शुगर के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलती है मतलब शुगर को आपने क्लोज कंटेनर में हीट किया स्ट्रॉन्गली हीट किया तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वाटर मिलेगा इनफैक्ट वाटर मिलेगा और यह मिल जाएगा आपको शुगर चारकोल केन शुगर का फॉर्मूला यह सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन ये केन शुगर का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ ट्वेल्व है ना सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ इलेवन ओके okay. ये सब अलग अलग हैं वेरियस शुगर्स के फॉर्मूले हैं ये ओके तो शुगर चारकोल मिल गया प्लस वाटर मिल गया इट इज़ ऑल्सो ओबेंड बाई डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लूकोज और केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ये शुगर में से वाटर को रिमूव कर देता है

uses क्या है इसके डी कलराइजिंग एजेंट अगेन इट इज़ ऑल्सो गुड एड्जॉर्बेंट सो इट इज़ ऑल्सो रिमूविंग कलर्ड इम्प्योरिटीज़ फ्राम वेरी सोल्यूशंस एक बड़ा एक, ये इंटरेस्टिंग सा यूज है जो अभी हमने नहीं पढ़ा कहीं भी कि शुगर चारकोल इज़ यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल डायमंड्स एक नेचुरल डायमंड्स होते हैं जो हमें ओरस में से मिलते हैं डायमंड की ओर में से मिलते हैं आज आर्टिफिशियल डायमंड यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा जुलरी जो लोग पहनते हैं वो जानते हैं कि आर्टिफिशियल डायमंड सस्ते होते हैं उनकी कॉस्ट तो काफ़ी कम होती है लेकिन लस्टर ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू द डायमंड्स बट यस होता है काफी तो शुगर चारकोल को अगर आप थ्री थाउजेंड टू थर्टी फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे तो यू विल गेट आर्टिफिशियल डायमंड मतलब जो कार्बन के एटम्स हैं दे विल रीअरेंज दमसेल्व इन द फॉर्म ऑफ सच अ स्ट्रक्चर जो कि आपको डायमंड में मिलता है टेट्राहेड्रल होता है टेट्राहेड्रॉन्स जो होते हैं वो वेरियस एंगल्स में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं ऑक्टाहाइड्रॉन बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है तो शुगर चारकोल को अगर आप 3000 थाउजेंड टू थर्टी फाइव हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इतनी इतनी ज़्यादा हीट करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इं टू ओके इट इज ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दे ऑक्साइड्स ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है और मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है सो दिस वॉज शुगर चारकोल नाउ लैम्प ब्लैक और सूट सूट क्या होता है जिसको हम काजल बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज में लैम्प लैंग ब्लैक बोलते हैं हम इसको सूट या काजल काजल जो हम यूज़ करते हैं ब्लैक इज एन अमोफस फॉर्म ऑफ कार्बन इट हैज 98 एट टू 99 परसेंट कार्बन बहुत ज़्यादा कार्बन होता है और इसको हम कैसे ओबटेन कैसे कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक ऑयल कोई भी ऑयल हो कार्बन रिच सब्सटेंस है जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल है या कैरोसिन ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है उसको हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं ऑयल बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम और ये जो सूट है इसको हम अगर कलेक्ट कर लेंगे तो दैट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन वो भी प्योर कार्बन मिल जाता है हमें ये द स्मोक कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन द ब्लैक स्मोक कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक पाउडर इट इज़ कॉल्ड लैम्प ब्लैक और सूट आप सब ने ये uh, सब ने तो नहीं मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि दिवाली वाले दिन दिए को जब हम जो मेन हमारा दिया होता है जो लक्ष्मी जी के सामने जलता है उसके ऊपर एक दिया इन्वर्ट करके रखते हैं थोड़ा सा ओपन स्पेस छोड़ते हैं ताकि थोड़ी सी सप्लाई ऑफ एयर बनी रहे जैसे यहाँ बोला ना लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और उस पर रख के उसको काजल बनाते हैं दिवाली वाले दिन वो बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं कि वो नज़र का काजल है मतलब कि छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं कि नज़र नहीं लगती उसको लगाने से ऐसा कहा जाता है तो दैट इज़ लैम्प ब्लैक ठीक है जिसको हम काजल बोलते हैं या सूट भी बोलते हैं आ, ये हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है मैंने तो बचपन से देखा है एव सीन यूजर्स क्या है अभी मैं एक्टिविटी पढ़ रही हूँ पहले यूजेस पढ़ रहे हैं यूजेस क्या है मेकिंग वेरियस आर्टिकल्स इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक शू पॉलिश ब्लैक पेंट्स ब्लैक कार्बन पेपर्स ब्लैक रिबन्स यूज इन टाइप राइटर्स प्रिंटर्स इंक एंड कोर्स काजल रबर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है जस्ट टू इंक्रीज दी हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर्स टायर जो है उसकी uh, टेक्सचर को इम्प्रूव करने में यूज़ होता है एक्चुअली गन पाउडर भी यूज गन पाउडर की मैन्युफैक्चर में भी यूज़ हो रहा है ये हमारा ब्लैक अब लैम्प ब्लैक कैसे बनाया है इन्होंने वो प्रोसेस देख लेते हैं एक्टिविटी क्या है टू प्रिपेयर ब्लैक थिंग्स नीडेड एन अर्धन लैंप अर्दन लैंप मतलब मिट्टी का दिया मस्टर्ड ऑयल कॉटन एंड अ मेटैलिक बोल अब क्या किया इन्होंने लाइट एंड अर्दन लैम्प विद कॉटन विक सोक्ड इन मस्टर्ड ऑयल मतलब आपने बत्ती बनाई है कॉटन की विक बना ली और उसको मस्टर्ड ऑयल में सोक करके एक दिए में तेल डाल के रख दिया उसको जला दिया और उसको ऑयल को बर्न होने दीजिए और उसके ऊपर जो स्मोक निकल रहा है दिए में से जो धुआँ निकल रहा है या जो उसकी फ्लेम है उसके ऊपर एक मेटालिक बोल रख दीजिए छोटी सी कटोरी कोई ऐसे रखिए कि आ, पूरी फ्लेम बिल्कुल एयर कट ऑफ ना हो जाए नहीं तो वो बुझ जाएगा दिया थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है ये जैसे दिखा रखा है इसने तो पकड़ रखा है इसने लेकिन हम टिल्ट करके रख सकते हैं इसको ऐसे रख देंगे थोड़ा सा टिल्ट करके तो वो एयर भी एयर की सप्लाई भी मेंटेन होती है और सूट भी फॉर्म हो जाता है ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे कुछ समय बाद कि अ डार्क ब्लैक सब्सटेंस डिपॉजिट्स ऑन द इनर साइड ऑफ द बोल इट कैन बी स्क्रेप्ड ऑफ फ्रॉम द बोल एक डार्क पाउडरी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है बोल के अंदर और उसको हम स्क्रेप कर सकते हैं वो हमारा काजल है तो कंक्लूजन क्या है जो हमें मिला है डार्क ब्लैक सब्सटेंस दैट इज द लैम्प ब्लैक और सूट और द काजल तो ये आपको एक्सपेरिमेंट हो गया नाउ दी नेक्स्ट इज़ गैस कार्बन गैस कार्बन क्या होता है एक और चीज़ मिल रही है हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमने किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का उसका हाई टेम्परेचर पे तो हमें Uh, कुछ जो हम जब हीट कर रहे हैं तो जो कंटेनर जिस पे हम हीट कर रहे हैं वहाँ पे सूट के पार्टिकल्स या कार्बन के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं आपने भी पढ़ा भी था इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में दैट इज़ नोन एज दोज पार्टिकल्स आर नोन एज गैस कार्बन दीज कार्बन पार्टिकल्स आर गैस कार्बन ये ग्रे सॉलिड होते हैं एंड दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आपने पहली बार पढ़ा है इसके रिलेशन में कि दैट गैस कार्बन जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब तक कोई कंडक्टर नहीं था ग्रेफाइट की बात छोड़ दो वो क्रिस्टलाइन था हम अमोफस की बात करें ठीक है यूजेस कैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कार्बन रॉड्स और आर्क लैम्प्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल्स तो गैस कार्बन जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर इसीलिए वो ड्राई सेल्स में यूज़ हो रहा है एज एन इलेक्ट्रोड और आर्क लैम्प्स जो होते हैं जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं वहाँ पर भी कार्बन रॉड्स उसमें लगती हैं तो उनके लिए यूज़ होता है उनके मैन्युफैक्चर में सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस अमोफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन नाव द स्मॉल लिटल शॉर्ट एक्सरसाइज फॉर रिविजन इसको देख लेते हैं विजो द फॉलोइंग कन्टेंट्स मोर देन नाइन्टी परसेंट कार्बन नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा कार्बन कंटेंट कौन से वाले कोल में होता है मैंने आपको बोला था ए बी सी डी करके याद कर लीजिए ए वाले में सबसे ज़्यादा होता है बी में उससे कम फिर एल में उससे कम और सबसे लास्ट वाला पीट पीट में सबसे कम होता है तो ए से एंथ्रोसाइट हो गया बी से बिट्यूमिनस हो गया एल से लिग्नाइट हो गया पी से पीट हो गया ए में सबसे ज़्यादा होता है तो नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा होता है एंथ्रोसाइट ओके okay? uh, इस तरीके से याद कर लीजिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑबटेन्ड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब हम करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ हमें नहीं मिलती है कोक मिलता है कोल गैस मिलती है गन पाउडर मिलता है कोल तार मिलता है तो आपको क्या नहीं मिलता है कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन से गन पाउडर नहीं मिलता ठीक है ओके द कार्बन पार्टिकल्स द डिपॉजिट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन आर कॉल्ड ये अभी हमने पढ़ा कि गैस कार्बन जो है वो मिलता है हमें वो कहाँ पे बन जाता है जो हमारा कंटेनर है जो टेस्ट ट्यूब है जिसको हम हीट कर रहे हैं उसकी वॉल्स पर डिपॉजिट हो जाता है एंड दैट इज़ नोन एज गैस कार्बन जो कि अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ओके नेक्स्ट द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज़ कोल और वुड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कोल या वुड को मतलब ऑर्गेनिक है कार्बन तो है ही तो उसको एबसेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिमूव द ब्राउन कलर ऑफ केन शुगर ब्राउन कलर रिमूव करने के लिए केन शुगर का हम क्या यूज करते हैं बोन चारकोल एज अ प्योरीफाइंग एजेंट नेक्स्ट द अमोफस फॉर्म ऑफ कार्बन यूज फॉर मेकिंग काजल काजल किससे बनता है लैम्प ब्लैक से ठीक है ये हो गया हमारे स्ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ट्रू और फॉल्स देखिए रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली अगर फॉल्स है तो उसको रीराइट करिए ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन साइड अर्थ एंड इन द दबसेंस ऑफ एयर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्ट इन टू कोल दिस इज ट्रू इसको क्या बोलते हैं कार्बनाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ कोल कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज इट ट्रू यस इट इज ट्रू एक्टिवेटिड वुड चारकोल एब्जॉर्ब्स कलर्ड इंक फ्राम इंक सोल्यूशन इज इट ट्रू एक्टिवेटिड वुड चारकोल जो है कलर्ड इंक को अब्जॉर्ब कर लेता है इंक और वाटर के सोल्यूशन में से दिस इज ऑल्सो ट्रू तो पहले तो तीनों ट्रू होक्स्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस बोन चारकोल किसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कि बोन चारकोल मिलेगा शुगर केन का करेंगे नहीं शुगर केन किसे क्या मिलेगा वो तो हमें शुगर चारकोल मिलेगा तो एनिमल बोन्स का या आप सिर्फ बोन्स भी लिख सकते हैं एनिमल बोन्स का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन करेंगे तब हमें बोन चारकोल मिलेगा नेक्स्ट शुगर चारकोल इज पोरस एंड दस फ्लोट्स ऑन वाटर तो यहाँ पे कौन से चारकोल की बात हो रही है शुगर चारकोल की बात हो रही है या वुड चारकोल वुड चारकोल इज़ हाईली पोरस एंड इट फ्लोट्स ऑन वाटर तो यहाँ पे शुगर चारकोल की जगह वुड चारकोल आएगा ठीक है सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बट एन या हो खत्म करना ही था पूरा ही कवर करना था मुझे अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डील विद सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो भी है लैब प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो भी आपके सिलेबस में है वो करेंगे एंड विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट लेक्चर ठीक है आइएस में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप बताइए मुझे डू टेल मी एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ओके टेक केयर एंड स्टडी वेल्थ